हाथ में डंडे और रॉड थी और उनको काफ़ी मारा। उनके पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा और वो उठने की भी हालत में नहीं थे। उनके हाथ पे भी पूरी लग गई है और डॉक्टर का कहना है कि काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं और इसके लिए सर्जरी की जाएगी। इतनी उनको ज़ोर से मारा कि वो उठने की भी हालत में। अपने आप को हाईटेक बताने का ढिंढोरा पीटने वाली गुरुग्राम पुलिस के दावों की उस समय पोल खुल गई जिस समय रिटायर्ड महिला जज के साथ सुबह की सैर कर रहे सेक्टर 14 निवासी एक व्यक्ति पर कार सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पीड़ित पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ इतने वार किए कि वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर कार को लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार को अपने कब्जे में ले लिया है और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। मेरा नाम श्रेयांश जैन है। मेरे पापा सुबह घर से शहर के लिए निकले, वो एक नंबर वाली गली में घूम रहे थे तो उनको शक हुआ कि कोई गाड़ी रेकी कर रही है। तो वो एक मैडम के साथ घूम रहे थे तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई कि ये गाड़ी रेकी कर रही है। तो वो अपने घर की तरफ चलने लगे। जैसे ही अपने घर की तरफ चलने लगे तो 963 के सामने गाड़ी लगाई गई तो मेरे पापा 963 के अंदर भागे तो वो वापस आए और उनको अंदर ही मारना शुरू कर दिया। उनके हाथ में डंडे और रॉड थी और उनको काफ़ी मारा। उनके पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा और वो उठने की भी हालत में नहीं थे। उनके सर पे भी वार किया गया जिसकी वजह से उन्होंने सर पे वार करने की कोशिश में उन्होंने अपने बचाव में अपना हाथ ऊपर किया तो उनके हाथ पे भी पूरी लग गई है और डॉक्टर का कहना है कि काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं और इसके लिए सर्जरी की जाएगी। इतनी उनको जोर से मारा कि वो उठने की भी हालत में नहीं थे और काफी खून बहा। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम सेक्टर 14 के निवासी प्रतुल कुमार रोजाना की तरह सेक्टर 14 में ही अपने पड़ोसी रिटायर्ड महिला जज निर्मल यादव के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक स्विफ्ट कार उनके पास आकर रुकी। कार के रुकते ही कार सवार चार युवक हाथों में लाठी डंडा लेकर उतरे जिन्होंने उतरते ही प्रतुल कुमार जैन पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इसकी हमने पुलिस में शिकायत की है सेक्टर 14 थाने में और पुलिस FIR भी कर रही है। एक स्विफ्ट व्हाइट कलर की गाड़ी आई थी जिसमें 4-5 गुंडे थे। जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली है और उन गुंडों का भी पता चल गया है। और ये जो कराया है ये अश्विनी शर्मा, अनुज शर्मा और अभिनव शर्मा जो कि ओल्ड PLF निवासी हैं, जो उनके भेजे हुए गुंडे थे क्योंकि गुंडे बार बार कह रहे थे मारते हुए कि अश्विनी शर्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये वो पूर्व नेता अश्विनी शर्मा नहीं है, ये दूसरे अश्विनी शर्मा है। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग बचाव में दौड़े लेकिन हमलावर लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां पूरी घटना वहां पर लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। हमारे पूरी पर्सनल दुश्मनी है, उनको दिन दहाड़े 8:30 बजे मारा है और सेक्टर 14 जो कि इतना पॉश एरिया है जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी रहती है उसके बावजूद आके ऐसा मारपीट हुई, डंडे रॉडों से मारा और मतलब इतनी गंभीर हालत है कि अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं और डॉक्टर की रेख देख में है। कम से कम डॉक्टर कह रहा है कि इनकी सर्जरी होगी और काफ़ी गुम चोट भी आई है। इनको MediCity मेदांता में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो वहीं मामले में शामिल आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस फरार लोगों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।